हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास ट्वेल्थ जियोलॉजी में आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, MVVI क्वेश्चन, जिसका कि आपका क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्मीय सांद्रण निक्षेप एवं सेल के बीच में संबंध को लिखें, यानी मैग्मीय सांद्रण निक्षेप और सेलों के बीच में संबंध को लिखें। और इससे आप मेरा जियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए कि मैग्मीय सांद्रण निक्षेप वाला एक वीडियो होगा, वहाँ पर आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं कि मैग्मीय सांद्रण निक्षेप क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मैग्मीय सांद्रण निक्षेप और सेल के बीच में संबंध को पढ़ेंगे और मैग्मीय सांद्रण द्वारा निर्मित जो भी धातु या फिर खनिज अयस्क होगा उनको लिखना है, ठीक है, उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैग्मीय सांद्रण जो है ना, वो मैग्मीय सांद्रण क्रम से प्राप्त खनिज अयस्कों और अनेक साधन के सेलों के बीच एक निश्चित संबंध पाया जाता है। समझिए कि सेलो मैग्मीय सांद्रण प्रक्रम से जो भी प्राप्त खनिज अयस्क होता है या सेलों के बीच या सेल जो होता है उनके बीच में एक निश्चित संबंध पाया जाता है। किसके किसके बीच में? मैग्मीय सांद्रण प्रक्रम और उससे जो सेल या खनिज बना उसके बीच में एक संबंध पाया जाता है, उसी को मैग्मीय सांद्रण निक्षेप के बीच में संबंध कहते हैं, ठीक है। और ये जो जिस तरह की आपको कुछ पॉइंट में यहाँ पर लिख देना है कि किस तरह से संबंध पाया जाता है, मतलब कौन किस में पाया जाता है, तो प्लेटिनम जो है ना केवल अल्पशिलिक सेलों में ही मिलता है। तो इस तरह से देखिए, ये आपका खनिज है, ठीक है, प्लेटिनम, ये जो सेल है ये आपका अल्पशिलिक सेलों में पाया जाता है। प्लेटिनम खनिज किस सेलों में पाया जाता है? अल्पशिलिक सेलों में पाया जाता है। तो इस तरह से ये इसका संबंध बता रहा है तो कि ये इसमें पाया जाता है। उसी तरह से क्रोमाइट खनिज जो है ना, वो केवल आपका पेरिडोटाइट एवं एंथ्रासाइट एवं मैफिक सेलों में पाया जाता है, ठीक। क्रोमाइट खनिज, प्लेटिनम खनिज किस में पाया जाता है? प्लेटिनम खनिज अल्पशिलिक सेलों में पाया जाता है। वहीं अगर क्रोमाइट की बात किया जाए तो क्रोमाइट खनिज जो है ना पेरिडोटाइट, एनार्थोसाइट और मैफिक सेलों में पाया जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग टाइटेनियम युक्त मैग्नेटाइट तथा इल्मेनाइट, ठीक है, इल्मेनाइट का गर्भ स्थल यानी टाइटेनियम मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट, ये किस में पाया जाता है? ये एनार्थोसाइट में पाया जाता है, ठीक है, एनार्थोसाइट। तो टाइटेनियम युक्त मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट किस में पाया जाता है? एनार्थोसाइट में पाया जाता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि मैग्मीय मैग्नेटाइट जो है ना, वो ये मैग्मीय मैग्नेटाइट ये साइनाइट नामक आग्नेय सेल में पाया जाता है, तो ठीक है। इस तरह से ये इसके बीच में संबंध बता रहा है कि ये इससे संबंधित है। किस तरह से संबंधित है? क्योंकि जो मैग्मीय मैग्नेटाइट है ना, ये साइनाइट नामक आग्नेय सेल में पाया जाता है। और वहीं हम लोग निकेल और ताम्र निक्षेप जो है ना, वो सभी जगह पाया जाता है, नोराइट के साथ पाया जाता है, ठीक है, नोराइट नामक सेल के साथ पाया जाता है निकेल ताम्र निक्षेप, ठीक है, निकेल ताम्र निक्षेप नोराइट के साथ पाया जाता है। उसी तरह से हम लोग हीरा का बात करेंगे तो हीरा जो है ना, वो व्यावसायिक मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है? किम्बरलाइट में मिलता है, ठीक है। किम्बरलाइट क्या होता है? एक तरह का पेरिडोटाइट होता है। तो हीरा किस में पाया जाता है? हीरा आपका किम्बरलाइट नामक पेरिडोटाइट में मिलता है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और अतः उपरोक्त तथ्यों से यानी जो हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट लिखे थे उनसे हमको क्या पता चल रहा है? उनसे स्पष्ट हो रहा है कि पातालीय श्याम वर्णी सेल के साथ अधिकांश महत्वपूर्ण मैग्मीय खनिज निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है, पातालीय श्यामवर्णी सेल के साथ, ठीक है, पातालीय श्यामवर्णी सेल के साथ मैग्मीय खनिज निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्मीय सांद्रण द्वारा बने धातु और खनिज अयस्क, ठीक है, जो मैग्मीय सांद्रण प्रक्रम द्वारा जो भी खनिज और धातु बना था, तो अब उन लोग का हम लोग नाम लिखेंगे। तो मूल धातु, जैसे बहुत तरह मूल धातु मिला, ऑक्साइड के रूप में हमको मिला, सल्फाइड के रूप में मिला, तो मूल धातु क्या क्या हमको मिला, यानी शुद्ध रूप में क्या क्या मिला? मूल रूप में हमको प्लेटिनम मिला, हमको आईडी मिला, ठीक है, आईडी का नाम थोड़ा देख लीजिएगा, इसका क्या होता है मुझे पता नहीं है। AU मतलब सोना मिला, AG मतलब सिल्वर मिला, चांदी, ठीक है, और CU मतलब कॉपर मिला, ठीक है, तांबा। उसी तरह से ऑक्साइड के रूप में क्या होता है? ऑक्साइड के रूप में हमको मिला मैग्नेटाइट मिला, टाइटेनियम युक्त मैग्नेटाइट मिला, फिर इल्मेनाइट मिला, फिर क्रोमाइट मिला, फिर कोरंडम नामक खनिज मिला, फिर वुल्फ्रेमाइट भी मिला, ठीक है, ये सारे हमको ऑक्साइड के रूप में ये सारे खनिज हमको मिला। उसके बाद सल्फाइड के रूप में भी हमको कुछ खनिज मिला मैग्मीय सांद्रण प्रक्रम द्वारा, क्या क्या मिला? चैल्कोपायराइट मिला, पेंटलैंडाइट मिला, ठीक है, पेंटलैंडाइट, पिरोटाइट मिला, बोर्नाइट मिला, फिर मोलिब्डेनाइट मिला। तो इस तरह से हमको सल्फाइड के रूप में मिला। और डी नंबर में रत्न पत्थर, ठीक है, जो कीमती जो हमको पत्थर उससे मिला था उस प्रक्रम द्वारा, मैग्मीय सांद्रण प्रक्रम द्वारा कीमती पत्थर भी मिला, जैसे हीरा मिला और गार्नेट, ये भी काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं ये सब मिलने को देखेगा, ठीक है, देखने को ये सब यहाँ पर नहीं मिलेगा। पेरिडोट मिला, ये भी काफ़ी, हम लोग हीरा तो जानते हैं लेकिन ये सब का नाम नहीं जानते क्योंकि ये सब भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है और हो सकता है कि इधर नहीं पाया जाता होगा, ठीक है। तो हीरा, गार्नेट, पेरिडोट, तो ये सब हो गया। रत्न पत्थर जो कीमती जो मिला हमको सल्फाइड के रूप में, फिर मिला ऑक्साइड के रूप में, मूल धातु के रूप में भी मिला, किससे मिला हमको? मैग्मीय सांद्रण प्रक्रम द्वारा मिला, ठीक है। तो मैग्मीय सांद्रण प्रक्रम का डेफिनेशन आप लोग जरूर उस वीडियो को जाकर देख कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो बस ये वाला यहीं पर था समाप्त होता है। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए और जियोलॉजी से रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चन आप पाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।